स्वागत है आपका इजी रेसिपी में। आज हम बनाएंगे चॉकलेट बर्फी। चॉकलेट से बनने वाली कोई भी रेसिपी बच्चों को बहुत पसंद आती है। रेसिपी पसंद आने पर रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए। चलिए चॉकलेट बर्फी बनाना शुरू करते हैं। चॉकलेट बर्फी को सेट करने के लिए सबसे पहले केक मोल्ड को ग्रीस कर लेते हैं। मोल्ड को ग्रीस करने के लिए मैंने घी का यूज किया है, आप रिफाइंड तेल का भी यूज कर सकते हैं। मोल्ड को घी से ग्रीस करने के बाद मोल्ड के ऊपर बटर पेपर बिछा लेते हैं। बटर पेपर के बिछाने के बाद एक बार फिर से घी लगाकर ग्रीस कर लेते हैं। अब एक खाली बाउल के ऊपर स्ट्रेनर रखने के बाद एक कप मिल्क पाउडर को छान कर ले लेते हैं। मिल्क पाउडर को छानने के बाद एक कप कोको पाउडर को भी छान कर ले लेते हैं। अगर आप बड़े स्ट्रेनर का यूज कर रहे हैं तो मिल्क पाउडर और कोको पाउडर को एक साथ छान लीजिए। कोको पाउडर छानने के बाद स्ट्रेनर को साइड में रख देते हैं। छान कर रखे हुए मिल्क पाउडर और कोको पाउडर को मिक्स कर लेते हैं। मिल्क पाउडर और कोको पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद साइड में रख देते हैं। अब एक कढ़ाई में एक कप चीनी ले लेते हैं। एक कप चीनी के लिए आधा कप पानी ले लेते हैं। गैस के फ्लेम को ऑन करने के बाद गैस के फ्लेम को लो पे रखते हुए चाशनी को चीनी के मेल्ट हो जाने तक पका लेते हैं। चीनी की हमें तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, चीनी के मेल्ट हो जाने तक ही पकाना है। चीनी के अच्छी तरह से मेल्ट हो जाने के बाद गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं। गैस के फ्लेम को बंद करने के बाद इस तरह का फ्लैट स्पून लेते हुए एक चम्मच देसी घी डालकर मिक्स कर लेते हैं। बर्फी के लिए हमें ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है। घी के चाशनी में अच्छी तरह से मेल्ट हो जाने के बाद एक चम्मच वनीला एसेंस डालकर मिक्स कर लेते हैं। इससे बर्फी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। वनीला एसेंस को मिक्स करने के बाद छान कर रखे हुए कोको पाउडर और मिल्क पाउडर को थोड़ा थोड़ा करके डालते हुए मिक्स करते जाएंगे। एक साथ सारा पाउडर ना डालें, एक साथ सारा पाउडर डालने से बर्फी में लम्स रह सकती हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही पाउडर का यूज़ करें। चीनी, कोको पाउडर और मिल्क पाउडर को मैंने इक्वल क्वांटिटी में लिया है, इसके लिए हमें एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है, ये एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है। सभी इंग्रेडिएंट्स को डालने के बाद लगातार चलाते हुए मिक्स करते जाएंगे। मिक्सचर को अच्छी तरह लगातार चलाते हुए मिक्स करें, इसमें कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। सभी इंग्रेडिएंट्स को कढ़ाई में डालने के बाद जल्दी से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी गाढ़ा होने लगता है। अच्छी तरह से मिक्स हो जाने के बाद बर्फी वाले मिक्सचर को घी से ग्रीस करके रखे हुए मोल्ड में पलट लेते हैं। मोल्ड में पलटने के बाद मिश्रण को एक समान फैला दें। एक समान फैलाते समय मिश्रण चम्मच से चिपकने लगता है, इसलिए चम्मच में थोड़ा घी लगाकर यूज़ करें। चम्मच में घी का यूज़ करने से चम्मच में मिश्रण नहीं चिपकेगा। केक मोल्ड को यूज़ करने के लिए मैंने घी लगे हुए ब्रश का यूज़ किया था, उसी ब्रश का यूज़ मैं बर्फी को सेट करने में कर रही हूँ। मोल्ड में बर्फी को एक समान फैलाने के बाद काट कर रखे हुए बादाम और पिस्ता डालकर गार्निशिंग कर लेते हैं। आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट का यूज कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट डालने के बाद ड्राई फ्रूट को चम्मच से अच्छी तरह से बर्फी में दबाकर लगा देंगे, जिससे कि वो कटिंग करते समय बाहर ना निकले। बर्फी को ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग करने के बाद ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। ठंडा होने के बाद बर्फी को पीसेस में कट कर लेते हैं। लगभग 2 घंटे के बाद बर्फी रूम टेम्परेचर में आ चुकी है। बर्फी को मोल्ड से बाहर निकाल लेते हैं। बर्फी को पीसेस में कट कर लेते हैं। बर्फी को अच्छी तरह से सेट होने के लिए कम से कम 12 घंटे का समय लगता है, लेकिन आप 2 घंटे के बाद भी बर्फी की कटिंग करके रख सकते हैं। 2 घंटे के बाद कटिंग करने से बर्फी बहुत ही सॉफ्ट रहती है, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी आप 12 घंटे के बाद ही बर्फी को कट करें। बर्फी को आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी शेप में कट करें। मैंने बर्फी को चकोर शेप में कट किया है। बर्फी को कट करने के बाद सर्व करने के लिए प्लेट में निकाल लेते हैं। बर्फी के लिए बताए गए सारे इंग्रेडिएंट्स एकदम परफेक्ट हैं। बर्फी के लिए कम ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स का यूज़ ना करें। बर्फी का टेक्सचर इस समय आपको बहुत ही सॉफ्ट नज़र आ रहा होगा, लेकिन 10-12 घंटे के बाद बर्फी अच्छी तरह से सेट हो जाती है। बर्फी को कट करने के बाद बर्फी के टेक्सचर को आप देख सकते हैं, बर्फी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। चॉकलेट बर्फी बनाने की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई है, रेसिपी को ट्राई करें। अपने अनुभव कमेंट करके मेरे साथ शेयर करें।